करना। जी बेटा, आपको कल जो हमने पढ़ा था बैकग्राउंड पोजीशन, इसकी समझ आ गई थी कि बैकग्राउंड का जो पोजीशन होता है वो हम कैसे सेट करते हैं, उसे सेंटर, राइट, टॉप कॉर्नर, या हम उसे किस तरह रखते हैं। ओके, आगे बेटा हमारे पास है जी बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो क्या होता है? सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स तैयार करता हूँ जिसकी मदद से पहले हम बॉक्स शेडो बनाते हैं। बॉक्स बनाए के फिर उसका शेडो भी बनाते हैं। सबलाइन अंदर मैं जाता हूँ, मैं एक फाइल तैयार करता हूँ जी, फाइल देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ, मेरे शायद ओपन ही होगी, तो बॉक्स शेडो भी बनी हुई होगी। कल बनाने की कोशिश तो हमने की, बॉक्स शेडो करें, इसी को हम HTML करते हैं, बॉक्स शैडो इसका टाइटल देते हैं हम उसको, और बॉडी के अंदर हम H2 कोई हेडर ले लेते हैं, बॉक्स शैडो। हाँ जी, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ बेटा, सर्च करें बॉक्स, यहाँ पर मैं एक CSS लगा रहा हूँ। हाँ जी, स्टाइल स्टाइल फाइल के अंदर CSS लगा। हाँ जी, उसमें मैं एक क्लास तैयार करता हूँ जी, क्लास क्लास का नाम रख देता हूँ मैं बॉक्स। हाँ जी, उसकी मैं हाइट दे देता हूँ जी, हाइट 300 पिक्सल्स, और उसकी वेट दे देता हूँ, वेट भी 300 पिक्सल दे देता हूँ, उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ जी, ब्लैक बॉर्डर। बॉर्डर लगा देता हूँ, टेक्सल का बॉर्डर लगा देता हूँ, सॉलिड बॉर्डर लगाता हूँ, और उस बॉर्डर को कलर दे देता हूँ। जी यहाँ तक चले जी, इस क्लास को मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। बॉडी में अप्लाई कर देता हूँ क्लास, यहाँ करता हूँ बॉक्स, यहाँ पर क्लास बॉक्स। इसको जरा मैं ओपन करूँ ब्राउजर में। हाँ जी, ये बॉक्स नजर आ गया बेटा बना हुआ, तो जरा इसको मैं अब बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी, इसको जरा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कलर, इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। इसका मार्जिन जो है वो मैं ऑटो कर देता हूँ, और
टॉप 100 टेक्सल्स का कर देता हूँ। हाँ जी, सेंटर में आ गया और ऊपर से मार्जिन उससे 100 पिक्सल कर लिया। जी बेटा, यहाँ तक बॉक्स की समझ आ गई है? अच्छा यस सर, आगे जी, अब हमारी प्रॉपर्टी हम बेटा क्या पढ़नी थी, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में इसका सिंटेक्स देखें क्या है। हमने ये पांच चीजें बतानी होती है, क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर, रेंज और कलर। समझ आई बात? एक्स एक्सिस कितना हो, ब्लर कितना हो, रेंज कितनी हो और कलर कितना हो। ओके, अब जरा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। हाँ जी, बॉक्स शैडो। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मैं करता हूँ 20 पिक्सल्स, और उसके बाद वाई एक्सिस भी मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, और उसके बाद मैंने उसके क्या बताना है जी, ब्लर, ब्लर कितना रखना है हमने उसे। हाँ जी, ब्लर पैक्सल, और रेंज उसकी कितनी देनी है 30 पैक्सल, और रेड कलर ना देना चाहिए और पिंक कलर दे। इसको जरा देखें हम। हाँ जी, तो समझ आई है बेटा? यस सर। अब इसको जरा मैं यहीं पर ओपन करता हूँ। अब मैं इसका एक्स चेंज करता हूँ, एक्स एक्स एक्सिस मैं से करता हूँ 40। हाँ जी, ये देखिए एक्सिस में कितना चला गया, 400 चला गया। ये देखिए, अगर मैं 4 से 50 कर दूं तो ये देखिए कितना चला गया। अगर 80 कर दूं तो ये देखिए। अब मैं इसका फर्ज करो कर देता हूँ 30 पिक्सल, और इधर से 70 पिक्सल्स कर दिए, देखिए नीचे आ गया। 50 पिक्सल्स कर दिया तो ये देखिए। अब इसका जो ब्लर है, ब्लर मैं अगर 50 पिक्सल्स का, तो ये देखिए सॉरी एक कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाए आपकी।